सबसे बड़ी वाली बेटी कौन सी आपकी? वो बीच, ये बीच वाली जो तुम मतलब मैनेजर बनाया था तुम्हें। देखने देखनी मोटी है तो सबसे बड़ी है। कोई मोटी नहीं है, तुम बहुत पतली हो। अच्छा मुझे बताओ कि इनका नाम क्या है? निम्रा। सहरिश अली। सहरिश। सहरिश कितने साल बड़ी हो तुम इससे? 4 साल। 4 साल बड़ी हो और उसके बावजूद भी तुम पे हुक्म जमाती है ये? जी ये सब कहते हैं आप छोटी हो। हाँ। इनका नहीं नहीं मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ। आप तो छोटी लग रही हैं, आप पे रोब जमा रही है ये तो। तो यहाँ शुरू से ही ऐसी है, रोब जमाती है तुम्हारी। मैं अपने पापा पे भी रोब जमाती थी। मेरे पापा कहते थे चुप करें पहले मुझे बोलने दे, बोलने दे पहले। मुझे चुप करवाती रहती है। तो सहरिश मुझे बताओ कि कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम बड़ी बहन बन जाओ और जो है ना उसकी कान पकड़ो उसकी? बनती है, मैं बताती क्यों नहीं बनती है। हाँ। कभी मैं खाना नहीं खा रही होती क्योंकि मैं कमजोर सी हूँ ना। हाँ। तो अब मैं खाती नहीं हूँ, नाश्ता तो हमारे घर में कोई भी नहीं करता। खा ले तो मुझे ऐसे जबरदस्ती खिला के तब मेरी अम्मा बन जाती है ये खाना खिलाने का। हाँ। खाना तो बड़ा खिलाती है सबको, मिल्क शेक बना रही है, ये बना रही है, ऐसे ऐसे करके खिलाती है। तो सहरिश तुमने जब इसकी वीडियो देखी ना, तुम्हारे साथ कौन थी उस वीडियो में जो पहली वीडियो वायरल हुई थी? ईशा, वो मेरी कजन है, वो मेरी खाला की बेटी है। और सहरिश तुमने देखी तो तुमने इसको बोला तो नहीं, तुमने क्या बोल दिया? क्या मैं तो इसको पीछे से मना कर रही थी, निम्रा बस कर दे, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको पता है मैंने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे एक यूट्यूब वाली आंटी मिली थी, लेकिन मेरी बहन ने कहा था ना करो नहीं निम्रा वो ये थी, इसने मुझे मना किया था। लेकिन जब दोबारा इंटरव्यू हुआ तब मेरे मामा मेरे साथ थी, मेरे मामा ने कहा जा मर्जी कर, जा सिमरन जा जी जिंदगी।